हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम कॉटन सूट की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो फ्रेंड्स, ये कॉटन का दुपट्टा ये हम साइड पे रखते हैं और ये शर्ट है जिस पर बॉर्डर लगा हुआ नीचे की साइड, और ये सलवार प्लेन है। तो हम सबसे पहले सूट की कटिंग करेंगे। तो ये बॉर्डर को हम देखते हुए नीचे की साइड रखेंगे और हिप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। हिप 32 है तो हम 9 इंच लेते हुए 10-11 इंच, 2 इंच हम हेमिंग के लिए लेते हुए, और लंबाई हम देखेंगे। आडे सूट की कटिंग होएगी सारी। तो ये देखिए बॉर्डर है, तो यहाँ से हमने 11 इंच पे फोल्ड कर लेना है और ऐसे हमने इसको दूसरी साइड भी ऐसे सेम कटिंग कर लेनी है बैक साइड की। तो 11 इंच नापते हुए हम पल्ले को कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, हमने सीधी कटिंग फ्रंट की उतार लेनी है और जो बॉर्डर साइड पे बच रहा है इसकी हम कहीं यूज़ कर लेंगे। तो देखिए, ये हम सीधी कटिंग करने के बाद बैक की भी सीधी तय लगा लेंगे और आडी और पीछे की साइड 2 इंच हम लंबा रखेंगे बैक साइड को हेमिंग करने के लिए। तो फ्रंट बैक हमने ऐसे उतार लिया और कटिंग कर लिए फ्रेंड्स। ऐसे करने के बाद देखिए, हमने बॉर्डर से नापना है 37.5 इंच ऊपर की तरफ, वहाँ पे हमने निशान लगा लेना है चौक से। इस साइड को हम चेंज करते हुए ये देखिए हमने तीरे का निशान लिया यहाँ से, तो 6 इंच हमने तीरा लेना है। तो मोड़े की लंबाई भी हमने 6 इंच लेनी है और छाती की चौड़ाई 32 है, 32 चेस्ट है, तो 8 1/4 करके और प्लस 1/4 इंच करेंगे। तो ये 1.5 इंच पे हम निशान ले लेंगे छाती की चौड़ाई, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। और अब हम मोड़े की गुलाई भी ऐसे लगा लेंगे बैक साइड की, और फ्रंट पे भी 1/2 इंच अंदर को लेते हुए गुलाई करेंगे। तो अब हम गले की भी चौड़ाई यहाँ से ले लेंगे। गले की लंबाई हम 5.5 लेंगे और 2.5 इंच चौड़ाई लेते हुए हम गोल गले की कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हमने 2.5 इंच ले लेना है पीछे की गले की गुलाई के लिए। तो ये देखिए छोटा सा गला हमारा बन गया है, और यहाँ से ऊपर से तीरे से 14 इंच कमर की लंबाई लेंगे, और कमर की चौड़ाई जो लेंगे हम, ये हम 8 इंच पे निशान लगा लेंगे, थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, और इसे हम छाती की जहाँ पे निशान लगाया वहाँ से कमर और उसको निशान पे तिरछा निशान ले लेंगे और ऐसे हम मिला लेंगे। अट्ठाईस कमर है तो उस हिसाब से प्लस 1 इंच 8 इंच ले लिया है कमर की चौड़ाई, और यहाँ मोड़े की लंबाई से हम 13 इंच पे निशान ले लेंगे हिप का। हिप की चौड़ाई 32 है तो हम 9 इंच पे निशान लेंगे, ये हम 9 इंच लेते हुए 8 इंच कमर है और 1.5 इंच चेस्ट पे निशान लिया है। तो अब इसकी हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ड्राफ्ट हो गया है, अब हम कटिंग करेंगे। तो ये 37.5 इंच हमारी लंबाई तैयार है। एक बार हम साइज को दोबारा से सारा चेक कर लेते हैं, फिर हम कटिंग करते हैं सारी। तो ये मोड़े की गुलाई देते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। अब गले की कटिंग हम गोल करेंगे। ऐसे ही हमने बैक पे भी 3 इंच की गुलाई देंगे, ज़्यादा हमने लंबा नहीं रखना है गला। तो फ्रेंड्स, ये मोड़े की काट आगे की डाल लेंगे हम। तो कमर पे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे साथ के साथ, फिर हमारा सूट सिलने का रह जाता है सारा, कटिंग हम कर चुके होते हैं। तो ये निशान भी हम साइड पे ले लेंगे सारा। फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो उसके लिए हमने यार्ज में ऐसे
डबल तह लगा ली है। जैसे हमने शर्ट को काटा है वैसे ही आड्डा ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, आड्डे कपड़े की। तो ये लंबाई लेते हुए ये 6.5 इंच पर हम लेंगे और ये कन्नी की हम कटिंग कर देंगे। तो स्लीव्स की लंबाई हमारी 18 इंच तैयार है। तो हम लंबाई 17 इंच लेते हुए 2.5 इंच पर हम गोलाई लेंगे। तो ये जो बॉर्डर बचा है इसकी हम कफ लगाएंगे नीचे की साइड, ये हमारा आ जाएगा फोल्ड करके। और ये हमारा 18 इंच पे हमने कटिंग कर लेनी है। 2.5 इंच पे हम गोलाई देते हुए 6.5 से 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे और ये हम 4 इंच पे लगाएंगे राउंड। ऐसे शेप देते हुए हमने बाजू की कटिंग कर लेनी है। ये हमारी गोलाई होगी। ऐसे हमने फ्रंट की बाजू की गोलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स सूट की कटिंग होगी। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो ये हम पहले सबसे पहले हम कपड़े का माप लेंगे कितना ये कपड़ा है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 मीटर हो गया और ये एक्स्ट्रा 8.5 हो रहा है। तो डबल करके ये हमारा 2 मीटर 17 इंच सारा टोटल कपड़ा है। तो हमने सिंपल सलवार की कटिंग करनी है। तो हमारी सलवार की लंबाई जो 35 इंच है तो उसमें से 4 इंच हमने बेल्ट लगानी है। 4 इंच बेल्ट की लंबाई लेंगे। उसके लिए हम 35 में से 4 निकाले तो 31 बना। 31 में 1 इंच, 31 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई हक 32 इंच। तो हम 32 इंच का पौंचे का एक पीस उतारेंगे। तो 32 इंच यहाँ तक हुआ हमारा, यहाँ निशान लगाते हुए हम पूरा पीस उतार लेंगे। ये से डबल करते हुए ये हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद हमने देखिए ये इसमें से कन्नी को पकड़ते हुए हमने पौंचे की कटिंग करनी है। तो 6.5 हम पौंचे की चौड़ाई मापेंगे और इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। ऐसे यहाँ से हमने पौंचा उतार लेना है। ऐसे डबल पौंचा हमने कन्नी की साइड रखते हुए सिलाई हक 1/2 इंच ऊपर रखते हुए ये हम कन्नी की साइड ऐसे ऊपर रख लेंगे थोड़ा सा सिलाई हक दिखाते हुए। और पौंचे की चौड़ाई का माप लेंगे। 6.5 से 7.5 इंच पे निशान लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, और आसन हम लेंगे 4 इंच आसन निकालते हुए 10 रह गया तो 11 इंच पे हम निशान लेंगे आसन का। 11 से 11.5 इंच पे हम आसन का निशान ले लेंगे। और पौंचे से और आसन के पास 3/6 इंची टेप मिलाते हुए हमने तिरछी निशान लगा लेना है। और हमने सलवार के कुंदे की कटिंग कर लेनी है। तो सलवार बहुत आसान होती है फ्रेंड्स, फिर भी कटिंग करते समय हिसाब लगाना होता है। तो ऐसे ही ये एक कुंदी हमारी कट गई है। इसे हम उठाते हुए दूसरी साइड रख लेंगे। इसमें हमने बिल्कुल सिंपल सलवार है और हमने इसके ये पौंचे के जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो कटिंग कर देना है। ऐसे ही आसन के पास मापते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल देना है। ये देखिए हमने छोटा सा यहाँ पर भी कटिंग कर लेना है और पूरा बराबर मापते ही कटिंग कर लिया है। ये सेंटर से कटिंग कर देंगे और ये पौंचा हो गया हमारी सलवार कटिंग हो गई है। बेल्ट की कटिंग करेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो यहाँ से 10.5 मापते हुए हमने ये पीस उतार लेना है बेल्ट का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी पूरी बेल्ट हो गई है 10.5 इंच पे। बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाल देना है। तो अब यहाँ से हमने ये 2 पीस कर लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे 2 इंच हमने नेफा मोड़ना है। 4.5 हमारी बेल्ट सिलाई हक
रेखा हो जाएगी, रह जाएगी। और 2 इंच पे नेफा मोड़ते हुए हमने वहाँ पे टक का निशान लगा लेना है। और फ्रंट पे जहाँ हमारा नेफा मुड़ेगा वहाँ पे 1/2 इंच की हम शेप देंगे बेल्ट में, हल्की सी हम कटिंग करेंगे। इससे हमारी बेल्ट सलवार अच्छी बनती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने हल्का सा कट लगा दिया है और जहाँ हमने नेफा बनाना है वहाँ पे हमने कट लगा लेना है। याद रहे हमने यहाँ नेफा बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।